हेलो स्टूडेंट्स, सो एज़ आई प्रॉमिस यू कि आज का लेक्चर मैं एज अ वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगी, बट लाइट हमारे घर पर जस्ट अभी आई है। पहले मैंने किसी से आई आस्क्ड फॉर दैट चार्जिंग ऑफ द फ़ोन, तो मैंने किसी से पूछ के मतलब चार्ज किया था, तो मैंने प्लस वन का वीडियो बनाया। अभी लाइट आई है तो जस्ट मेकिंग योर वन वीडियोज़। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करवा रही, मैं एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। सो ये क्वेश्चन है, ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है, मतलब इस बार ये क्वेश्चन आया था हमें कि बाल्मर सीरीज़ की शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, एंड उसके बाद था फाइंड द रेशियो ऑफ इट। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट। ठीक है, सो मैंने सबसे पहले शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाले। सबसे पहले हैव टू राइट द फॉर्मूला। सो इट इज़ 1/λr 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में क्या होता है हमारे पास, देखो बाल्मर सीरीज है तो शॉर्टेस्ट में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट क्या होगी हमारे पास, 2। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट होगी हमारे पास इन्फिनिटी। तो ग्राउंड स्टेट 2 और एक्साइटेड स्टेट इन्फिनिटी, तो मेरे पास क्या बनेगा, 1/λ इज इक्वल्स टू आर, n1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/λr और 2 2 जा 4। ठीक है, और 1/∞ विल बी 0। सो लेमडा क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लेमडा क्या आएगा मेरे पास, अब लेमडा को रिवर्स कर दें, ये r/4 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये r/4। तो जब आप लेमडा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, यहाँ पे 1/∞ है ना, तो 1/∞ ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, सो 1/∞ ज़ीरो हो जाता है, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/4 माइनस ज़ीरो इज़ 1/4। अब जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, लेमडा आप ऊपर ले जाएँ, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी अ 4/r, दिस विल बी अ 4/r, दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, दिस विल बी योर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की। नाउ वी टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा हमारे पास, दैट इज़ बी 1/λ, मतलब पहले आप n1 लिख लीजिए, n1 विल बी 2, बाल्मर सीरीज है तो n1 2 होगा, और n2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3। यहाँ पे क्या आएगा, 1/λ क्या आएगा, r, n1 की जगह पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, और n2 की जगह पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। ठीक है, सो ये आ जाएगा मेरे पास 9 माइनस 4, एंड 9 4 जा कितना हो जाता है, 36। ठीक है, सो इट कम्स 5/36। ठीक है, दिस इज़ 1/λ, 1/λ इसे बोल दीजिए लॉन्गेस्ट के लिए, 1/λ। इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं हम लोग, सो इट विल बिकम 36/5r, 36/5r। अब लेमडा एस अपॉन लेमडा एल, लेमडा एस हो जाएगा 4/r और लेमडा एल हो जाएगा 36r/5। ठीक है, मैंने उल्टा किया है, 5r हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी योर 5r। सॉरी, थोड़ा लाइट का इशू है, बिकॉज अभी ही जस्ट लाइट आई है। ठीक है, तो 4r मैंने चार्जिंग के साथ फ़ोन लगा रखा है, तो अभी वहाँ से उस रूम में फिर उस तरफ लाइट नहीं है। ठीक है, 4r उसको उल्टा ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5r एंड 36। ठीक है, सो अब ये जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, ये इट विल बी 4 9 जा। ठीक है, और r से r कैंसिल, सो मेरा लेमडा बाय s अपॉन लेमडा बाय l क्या हो जाएगा, 5/9। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल बी 5:9। ठीक है, दिस इज विल बी माई 5:9, दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, सो दिस विल बी माई आंसर। तो आई होप आपको समझ आया हो, अगर आपको शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में आप इन्फिनिटी लेते हैं और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में आप इमीडिएट नेक्स्ट पे जंप कर जाएंगे। तो आप बाल्मर में थे, आप बाल्मर सीरीज में थे, तो ग्राउंड स्टेट n1 थी,
विच इज़ इक्वल्स टू टू, आप इमीडिएट नेक्स्ट में टू देंगे तो एन टू बिकम्स थ्री, ठीक है. सो दैट गिव्स यू अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दैट गिव्स यू अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है. आप क्लियरेंस क्वेश्चन के साथ, ठीक है. अब लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन होता, आपको बोला जाता कैलकुलेट कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन व्हेन जंप्स फ्रॉम, एक्साइटेड स्टेट कितनी है फोर, एंड कहाँ पे आया जंप्स फ्रॉम एन टू टू एन वन इक्वल्स टू वन. तो मतलब ये एन वन कौन सी सीरीज हो गई, मतलब कहाँ से जंप किया है वो, लेमन सीरीज से कहाँ कूदा है वो, कहाँ पे कूदा है, सेकंड कौन सी होती है बाल्मर, तीसरी कौन सी होती है पास्टन, चौथी कौन सी होती है ब्रैकेट, ब्रैकेट में कूदा. तो मुझे वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला पहले लिखना बहुत ज़रूरी है, वन बाय लेमडा इक्वल्स टू आर, वन बाय एन वन का स्केयर माइनस वन बाय एन टू का स्केयर, ठीक है. सो मेरे पास आर, ठीक है, आर की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10^7, ठीक है. सो यहाँ पे भी मेरे पास क्या बनेगा, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए अब एन वन कितना आएगा मेरे पास, ठीक है, जो एन वन आएगा मेरे पास वो कितना है मेरे पास 1. सो माई एन वन इज़ 1, ठीक है, सो आई पुट 1 ओवर हियर, और मेरी एन टू की जगह पे आएगा 4, सो इट्स 4 का स्क्वायर, ठीक है. सो अभी आएगा 1.097 इंटू 10^7, सो इट इज़ 4 × 16, सो दिस इज 16 - 1 अपॉन 16, सो इट इज़ 1.097 इंटू 10^7, सो इट इज़ 1 by lambda इक्वल्स टू 1 by lambda. सो 1 by lambda क्या है, 1.097 इंटू 10^7 15/16, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, 1.097 इंटू 10^7, सो इट इज़ 16/15, 16/15, ठीक है. सो अभी मैं क्या करूँगी यहाँ पे, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने फ़ोन में कहीं पे कैलकुलेटर ढूंढ रही हूँ, बिकॉज आई नीड इट, मुझे डिवाइड करना है. एक मिनट होल्ड करोगे क्लास, मुझे एक कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा प्लीज़, मुझे डिवाइड करना है, मुझे कैलकुलेटर अपने आईपैड पे भी नहीं मिल रहा है. एक मिनट रुक जाएँ क्लास प्लीज़, एक मिनट. कैलकुलेटर, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे जैसे मैंने इसको रेसिप्रोकल किया था, तो जब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया था तो ये क्या हो जाएगा लेमडा, ठीक है, ये भी चीज़ रेसिप्रोकल होगी. सो दिस इज़ 1.097 इंटू 10^7 इंटू 16/15, ठीक है. सो अब आप ना क्या, आपको क्या करना है, देखो जब भी आपको वेवलेंथ निकालनी है तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. रेसिप्रोकल करोगे तो ये आर की वैल्यू जो 1.097 × 10^7 है ये भी रेसिप्रोकल होगी. सो ये मैंने अभी मैंने वाई, मैं आपको बस जब खुद कर लीजिएगा, बट मैं वाई आई नीड दिस, बिकॉज मुझे आपको ये बताना है कि आप 1 / 1.097 इसको लर्न कर लीजिए, 1 / 1.097 ही मेरी तरफ से आपको एक गुड एडवाइस है, क्योंकि पेपर में इस बार से क्वेश्चन आया था तो बच्चों को डिफिकल्टी होती है, फिर आप वहाँ डिवाइड करने बैठेंगे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. तो जस्ट रिमेंबर दैट कि अब जब 1 को 1.097 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 0.911, और नीचे से 10^7 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10^-7, और साथ में आपके पास क्या था, आपके पास था 16/15, आपके पास कितना था, आपके पास था 1.067. आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.911 से तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा ये 0.9971 इंटू 10^-17 मीटर, तो ये आ जाएगी आपकी वेवलेंथ, ठीक है. अगर आपको इसी क्वेश्चन में उन्होंने बोला होता
सेकेंड पार्ट बोला होता कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी. तो आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते, हाउ यू विल कैलकुलेट द एनर्जी. तो आप क्या करते, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू क्या है C बाय लेमडा, ठीक है. एच सी की, एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10^-34. सी कितना होता है 3 × 10^8 और लेमडा कितना है 0.971 इंटू 10^-7. जस्ट सॉल्व एवरीथिंग. 6.626 इंटू 3 यू गेट 19.878 अपॉन 0.971, ठीक है. 34 में से 8 जाएंगे, 34 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, अब ऊपर बचेगा 26, ऊपर से प्लस माइनस 26 बचेगा और ऊपर प्लस 7 आएगा तो मतलब माइनस 7 हो जाएगा, तो वो कितना बचेगा आपके पास -19. तो यहाँ बचेगा आपके पास -19. आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास है 19.878, आप इसे डिवाइड करेंगे 0.971 से, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 20.47 इंटू 10^-19 जूल्स. तो ये एनर्जी जूल्स में आई है, पर आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 20.47 को 20.47 इंटू 10^-19 को आप क्या करेंगे 1.6 इंटू 10^-19 से डिवाइड कर देंगे. आप इसे कैंसिल करेंगे, सो 20.47 डिवाइडेड बाय 1.6, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास जो एनर्जी आएगी दैट विल बी 12.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. तो एनर्जी कितनी आएगी आपके पास 12.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है. सो आपको सब कुछ क्लियर है, पॉइंट क्लियर है. सो फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट, ऐसे कुछ सॉरी न्यूमेरिकल्स मैं अभी आपको 2-3 असाइनमेंट्स में डालती हूँ, ठीक है. सो आप प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लें, ठीक है, उनको पढ़ लें ढंग से. और मैं इनकी फ़ोटोज़ भी भेज दूँगी आपको साथ में अभी, ठीक है. एंड कल हमारा क्लास 11 बजे है, सो कीप रिमेंबर दिस, ठीक है. ओके क्लास, बाय, बेस्ट ऑफ लक. मैंने थोड़ा ही काम करवाया बिकॉज आई न्यू, बहुत रात को मैंने वीडियो डाला है इससे मैंने बहुत थोड़ा सा ही काम करवाया है, ठीक है, ताकि 2 क्वेश्चन करवाएं, ताकि यू जस्ट रिटेन इन योर माइंड, ठीक है. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू. ओके क्लास, सी यू टुमारो.